हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ कर्वी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को हम जानने वाले हैं कि हमारे मोबाइल पे जो फोटोज, वीडियोज या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो कि पर्सनल और सेंसिटिव हो सकते हैं, उन पर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे लगा सकते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है कि हमें अपना मोबाइल रिपेयर होने के लिए देना पड़ता है, या फिर हमारे मोबाइल किसी गलत हाथों में लग सकता है, या फिर अगर हमारा मोबाइल गलती से चोरी हो जाता है तो उस टाइम आपके जो भी पर्सनल फोटोज और वीडियोज हैं और जो आपका पर्सनल सेंसिटिव डेटा है वो किसी गलत हाथों पे ना लग पाए और आपको उसका मिसयूज ना हो पाए, तो इसलिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स पे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा के रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जान लेते हैं कैसे हम अपने पर्सनल और सेंसिटिव डेटा पर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी फाइल या फोल्डर पे अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और यहाँ पे डाउनलोड करिएगा जेड अकाइवर ऐप्स। आपको गूगल प्ले स्टोर पे फ्री मिल जाएगा, इसके कोई भी चार्ज देखने की जरूरत नहीं होती और ना ही कोई वाटरमार्क देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इसलिए इसको डायरेक्ट मैं ओपन करता हूँ। फ्रेंड, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपसे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो वो आपके सारे फाइल और फोल्डर शो करने लगेगा जो आपके इंटरनल स्टोरेज पर होगा या फिर मेमोरी कार्ड पे आपके शो होगा। तो अब मान लीजिए मैंने ये पिक्चर वाला फोल्डर हमारा है और यहाँ पे मैं एक फाइल पे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाहता हूँ। मान लीजिए वाली मेरी फाइल है, पिक्चर है जिस पर मैं पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा के रखना चाहता हूँ। तो आप पर्टिकुलर उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस फाइल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेस वाला ऑप्शन आएगा, तो आप कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड, जैसे ही आप कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आर्काइव फॉर्मेट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन फ्रेंड्स यहां पर आप हमेशा जिप ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। जिप ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये बाय चांस आप ये वाली फाइल किसी व्यक्ति को मेल करते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए किसी व्यक्ति को शेयर करते हैं तो बहुत ही इजीली अपने मोबाइल पर या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आसानी से ओपन कर लेगा, उसको ZIQ ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो यहां पर आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड को एंटर करके ओके कर दीजिएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप ओके करेंगे वो हमारी पर्टिकुलर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगी। सेम फ्रेंड, अगर आप किसी फोल्डर पे पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा फाइल एक साथ रखी हुई हैं और आप वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं किसी फोल्डर पे, तो आप उस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेम वैसे ही कंप्रेस पे क्लिक करिएगा और पासवर्ड प्रोटेक्शन कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने इंटरनल स्टोरेज पर, देख लेते हैं कि हमारी फाइल पे पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे अपने इंटरनल स्टोरेज में आ गए। देखिए, जस्ट नाउ करके एक नई फाइल आई हुई है जिस पे हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाया होता, तो इसको हम ओपन करते हैं। फ्रेंड, जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। अगर फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को आपने शेयर किया हुआ है तो उसके पास अगर ZIQ ऐप नहीं है तो वो ZIQ ऐप को ओपन करके डायरेक्टली देख सकता है। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया, देखिए तो यहाँ पे वो हमारी पिक्चर शो हो रही है, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक हम इस पर आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारी हुए फोटो या डॉक्यूमेंट या जो भी मैटर आपका होगा तो वो देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम पासवर्ड एंटर करेंगे, अब वो हमारी फाइल देखिए डायरेक्टली ओपन हो गई। सेम फ्रेंड, ऐसे ही अगर आप अपने व्हाट्सएप से या ईमेल के जरिए आप किसी फाइल को, सेंसिटिव फाइल है, चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हमने भेजा है केवल वो ही व्यक्ति इसको रीड कर पाए, देख पाए, तो आप सेम ऐसे ही पासवर्ड प्रोटेक्ट करके उस फाइल को व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट और मैसेज का बैकअप लेना चाहते हैं वो भी एक इंडियन ऐप के जरिए, तो मेरे इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप सिंगल एक क्लिक के मदद से आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट का बैकअप कैसे ले सकते हैं या फिर उसको लैपटॉप या पीसी से या फिर किसी दूसरे मोबाइल पर उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए।